स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रंका इंग्लिश पे। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड पैसिव वॉइस सीखेंगे कि इसको हिंदी में ये दिया हुआ है तो इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे ऐसे बोल सकते हैं सेंटेंस को। तो चलिए शुरू करते हैं समझना। सबसे पहले हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस हमारा आम खाया जा रहा है। तो रहा है, रही है, ये सबको पता होता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से होता है रिलेटेड। रहा है, रही है, आम खाया जा रहा है, इसकी इंग्लिश हम लोग कैसे बोल सकते हैं तो यह हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले आम यानी कि द मैंगो, इज यहाँ इज एम आर का ही यूज करेंगे, बींग का यूज करेंगे, बी प्लस आई एन जी यानी वर्ब फोर, द मैंगो इज बींग, फिर सॉरी द मैंगो इज बींग आई एन जी का यूज यहाँ पे करने के बाद हम वर्ब थ्री यूज करेंगे, द मैंगो इज बींग ईटन, ईटन यानी ईट मतलब खाना, ईट मतलब ईटन, ईट एट, ईटन वर्ब थ्री हो गया यानी खाया। तो आम खाया जा रहा है, द मैंगो इज बींग ईटन। इसी के साथ नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखेंगे किताब। अब ये किताब की बात चल रही है तो किताब यानी कि बुक, किताब यानी बुक पढ़ी जा रही है यानी कि बींग रीड, ठीक है। इज एक मॉडल है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, द बुक इज बींग रीड यानी कि हम लोग कह सकते हैं किताब पढ़ी जा रही है, द बुक इज बींग रीड यानी किताब पढ़ी जा रही है। नेक्स्ट सेंटेंस घर, जो घर है, घर साफ किया जा रहा है, द घर साफ किया जा रहा है, इसको कैसे बोल सकते हैं तो और आसान सेंटेंस है, घर को हम लोग हाउस कहते हैं तो यहाँ आर्टिकल का यूज करेंगे, द हाउस इज एक मॉडल वर्ब के रूप में यूज करेंगे, फिर बींग का यूज करेंगे और क्लीन, क्लीन मतलब साफ करना, तो क्लीन यानी साफ किया जा रहा है, ए डी लगाने से ये वर्ब थ्री हो गया, क्या हो गया वर्ब थ्री, द हाउस इज बींग क्लीन्ड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये रीड भी वर्ब थ्री ही है, ठीक है, रीड का वर्ब थ्री, वर्ब टू सब रीड ही होता है, ईटन एक खुद वर्ब थ्री है, वर्ब थ्री यानी द मैंगो इज बींग ईटन, द बुक इज बींग रीड, द हाउस इज बींग क्लीन्ड, इस प्रकार से घर साफ किया जा रहा है यानी द हाउस इज बींग क्लीन्ड। अगर सिंपली सेंटेंस में बोलते हैं, अगर एफर्मेटिव में, पैसिव में नहीं एक्टिव में, कि घर साफ हो रहा है, घर साफ किया जा रहा है नहीं, घर साफ हो रहा है, तो ऐसे हम लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग बोलेंगे घर साफ किया जा रहा है, द हाउस इज बींग क्लीन, इस प्रकार से। नेक्स्ट सेंटेंस जो किया है हमारा फिल्म, फिल्म देखी जा रही है, फिल्म, फिल्म यानी कि फिल्म को हम लोग क्या कहते हैं, मूवी, मूवी, तो द का यूज करेंगे आर्टिकल, तो द मूवी इज यानी मॉडल वर्ब, ठीक है, मॉडल वर्ब, बींग वॉच, वॉच मतलब देखना, ई डी यानी वर्ब थ्री, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको वर्ब थ्री, द मूवी इज बींग वॉच्ड यानी कि फिल्म देखी जा रही है। काफ़ी आसान तरीके से हम लोग समझेंगे एक एक सेंटेंस के मतलब को इंग्लिश में, फिल्म देखी जा रही है यानी द मूवी इज बींग वॉच्ड। इसी के साथ नेक्स्ट सेंटेंस पे अब हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा खाना, खाना पकाया जा रहा है, ठीक है, खाना पकाया जा रहा है यानी कि खाना को हम लोग फूड कहते हैं, तो द फूड, द फूड यानी कि खाना, इज यानी है, बींग यानी कि बींग कुक्ड यानी पकाया जा रहा है, इज बींग कुक्ड यानी पकाया जा रहा है, तो क्या पकाया जा रहा है, तो खाना, तो बोलेंगे द फूड इज बींग कुक्ड यानी कि खाना पकाया जा रहा है। ये कुक भी यहाँ पे वर्ब थ्री है, वर्ब थ्री यूज करेंगे लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे, जैसे कि पत्र, पत्र लिखा जा रहा है यानी कि द लेटर, लेटर यानी पत्र होता है, ठीक है, सिर्फ लेटर यानी पत्र, एल ई डबल टी ई आर, लेटर इज बींग रिटन, बींग रिटन यानी लिखा जा रहा है, द लेटर इज बींग रिटन यानी पत्र लिखा जा रहा है। सिंपल सिंपल सेंटेंस हैं सारे, हम लोग आसानी से सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट
गाना गाया जा रहा है। तो गाना यानी कि सॉन्ग, सॉन्ग यानी गाना। इज, इज यानी है मॉडल वर्ब। बीइंग, संग, संग वर्ब थ्री, वर्ब थ्री है, ठीक है। सॉन्ग का वर्ब थ्री है संग। सिंग सॉन्ग, सॉरी सिंग सैंग संग। सिंग होता है गाना, सिंग के बाद सैंग होता है, जिसको एस ए एन जी हम लोग बोलते हैं, सैंग। सैंग वर्ब टू है, ये सैंग संग है, एस यू एन जी, संग वर्ब थ्री है। तो द सॉन्ग इज बीइंग संग, यानी कि गाना गाया जा रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, खेल खेला जा रहा है। खेल, खेल यानी कि गेम, खेला यानी खेलना यानी प्ले, जा रहा है यानी कि इज बीइंग प्लेड। तो सिंपल से यहाँ हम लोग देखेंगे द गेम इज बीइंग प्लेड, यानी कि खेल खेला जा रहा है। द गेम इज बीइंग प्लेड, इस प्रकार से हम लोग बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, तस्वीर, तस्वीर खींची जा रही है। तस्वीर, तस्वीर को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, पिक्चर, पिक्चर, सॉरी ये कट जा रहा है, इसको थोड़ा हम लोग रेज कर देते हैं। तस्वीर खींची जा रही है यानी कि द पिक्चर इज बीइंग टेकन। टेकन यानी लेना, तस्वीर लेना, खींचना। तो द पिक्चर इज बीइंग टेकन, यानी तस्वीर खींची जा रही है, द पिक्चर इज बीइंग टेकन। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, काम किया जा रहा है। तो सॉरी यहाँ हम लोग देखेंगे काम किया जा रहा है। तो काम यानी कि वर्क इज, मॉडल वर्ब के रूप में इज बीइंग, बीइंग यानी किया जा रहा है, सॉरी तो डन, डन यानी करना। तो इज बीइंग डन यानी कि किया जा रहा है। तो क्या किया जा रहा है, तो काम, ठीक है। तो काम किया जा रहा है यानी कि द वर्क इज बीइंग डन, यानी काम किया जा रहा है। सिंपल सेंटेंस था, हम लोग को समझना था, हम लोग समझ चुके हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे थे इस, ये सभी सेंटेंस थे इस प्रकार से। तो हम लोग इन सेंटेंसेस को एक बार समझते हैं पुनः। जैसे आम खाया जा रहा था, सो इसमें स्ट्रक्चर ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस। अब इज का हमने यूज किया है इन सभी जगहों में, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सभी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही था। द गेम, द पिक्चर, द वर्क, अगर कहीं ही, सी, इट, सॉरी वी, यू इस प्रकार से रहे तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लोग इज के साथ एम आर का भी यूज करते हैं, उसके बाद इज, ठीक है। इज के बाद एम, इसमें नहीं, सब्जेक्ट के अनुसार डिपेंड करता है कि किसका यूज करना है। इज एम आर प्लस बींग, बींग का हमें यूज करना होता है, ये कंपलसरी है, ये करना ही करना है। बी आई एन जी, बींग, फिर प्लस, प्लस का ही साइन देंगे, और फिर हमारे पास यहाँ है ईटन। तो ईटन एक वर्ब थ्री है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव करने का ये स्ट्रक्चर है। ये एक्टिव से पैसिव का स्ट्रक्चर, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इज एम आर डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट पे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर का यूज करेंगे, और आई के साथ हमेशा एम का ही यूज करेंगे, ये एम आई के लिए बना है, तो इस बात का ध्यान दें। इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यूज करेंगे या किसी एक नाम के साथ, तो इसके लिए अलग रूल्स हैं, आप एक बार देख लें। और बींग का यूज करेंगे ही करेंगे, और फिर वर्ब थ्री का यूज करेंगे, तब जाकर ऐसे सेंटेंस बनेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। जय हिंद, जरूर जाकर लिखें कमेंट बॉक्स।